नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला बैड न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंठल। शनिवार को अंबेडकर विश्वविद्यालय में आयोजित चतुर्थ दीक्षांत समारोह के अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, स्थानीय विधायक और पर्यटन संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर अतिथि के रूप में मौजूद थे। आरंभ में एनसीसी के छात्र छात्राओं और सेना के बैंड ने अगवानी कर गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राज्यपाल महोदय ने अंबेडकर प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद विश्वविद्यालय के बौद्ध विहार में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में अतिथियों ने 75 से अधिक छात्र छात्राओं को, जो विभिन्न संकायों के थे, उन्हें उपाधि प्रदान की। इस मौके पर अतिथियों ने 3 पुस्तकों का विमोचन भी किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल ने संबोधित करते हुए कहा कि आज हमें सामाजिक समरसता की आवश्यकता है, हम सामाजिक समरसता को अपने जीवन में लाएं। उन्होंने कहा कि आज के युवा क्रिकेटर को जानते और पहचानते हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी आज़ादी दिलाई व देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, ऐसे महान क्रांतिकारी शहीदों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही उनके बारे में कुछ जानते हैं, जबकि उनको जानने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और स्थानीय विधायक उषा ठाकुर ने भी संबोधित किया। सभी अतिथियों ने उपाधि प्रदान कर प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को अच्छा नागरिक बनने, समाज सेवा करने और राज्य सेवा करने का आह्वान किया। कुलपति शर्मा ने सभी छात्र छात्राओं को संविधान के अनुसार काम करने, ईमानदार रहने की शपथ भी दिलाई।